नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। कुछ महीना पहले मैं बेतिया जिला आया था और यहाँ से एक दर्दनाक घटना की जानकारी आप तमाम लोगों से मैंने शेयर की थी और उस समय मैंने एक निवेदन आप लोगों से किया था। क्या करेंगे, रोजी रोटी सब बंद हो गया है बाबू, आप ही लोग हैं हमारा राज्य, हम तो जनता पर भरोसा करके बैठे हुए हैं कि हमारा जनता नया न्याय दिलाएगा, हमारा आप लोग हैं, हमारा पीठ पर तो कोई हमको दुख नहीं है, आप ही लोग तो होश का के हम आगे बढ़ेंगे बाबू, हम क्या कह सकते हैं, इतना ही आप लोग किए, बहुत किए हमारे साथ और आगे क्या कीजिएगा अब आप लोग जानिए। एक बिटिया है जिसकी पूरी जिंदगी के लिए अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसके साथ दिया जाए, उसका परिवार का साथ दिया जाए। और आप तमाम लोगों ने दिल खोलकर जिस तरह से सहयोग किया और जिस तरह से उस बच्ची के लिए आप लोग आगे आए और पूरे देश से उसके लिए दुआएं मिली, साथ ही साथ जो आर्थिक मदद मिली थी उनके परिवार को सीधा उनके बैंक अकाउंट में गया था और जो सहयोग राशि हमारे पास आया था वो आज, जैसा मैंने आपको वादा किया था पिछले हफ्ते की वीडियो में कि मैं बेतिया जाकर उस परिवार से मिलकर उनका हाल चाल लूँगा और उस बिटियास का पैर छूकर मैं एक माफ़ी मांगूंगा कि इस पुरुष समाज में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और उसके लिए हम कहीं ना कहीं जिम्मेदार मानते हैं अपने आप को, हम शर्मसार हैं इस तरह की घटना के लिए, लेकिन ठीक उसी समाज में हम अपना दायित्व भी जानते हैं, वो मेरी भी बिटिया है, आपकी भी बिटिया है, तो उसकी जिम्मेदारी भी आपकी और हमारी है, तो उसके आने वाले सभी जीवन के लिए जो भी ज़रूरत चीज़ें होंगी अब हम लोग सबको मिल के करना है। तो आप लोगों ने जो मदद, आर्थिक मदद मुझे भेजी थी, आज मिश्रा जी और उनके परिवार के बीच में हम लोग हैं और ये पूरा जो आर्थिक मदद है वो आज हम उनके परिवार को हैंडओवर कर रहे हैं और आगे भी ये वादा हमारा है कि जो भी इस बच्ची के चाहे पढ़ाई के लिए हो, चाहे स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए हो, चाहे भविष्य में उसकी शादी के लिए, चाहे आगे कोई भी जिम्मेदारी हो, अगर मैं जिंदा रहा और हमारी टीम इसी तरह से बनी रही, आप लोगों का सहयोग रहा, तो हम लोग हमेशा इस परिवार के साथ में हैं। आज दादी है यहाँ पर, मैं ज़रा उनसे पूछना चाहूँगा कि अब क्या हालात हैं घर के, लॉकडाउन लगा हुआ है, बिहार में तबाही मची हुई है और उस बीच में जबकि पूरा धंधा और व्यापार, जॉब वगैरह सब बंद हैं, तो ये परिवार सर्वाइव कैसे कर रहा है, कैसे घर चल रहा है, मैं दादी से बात करना चाहूँगा। दादी, क्या हालात है अभी यहाँ पे घर पे आपके? अभी हालात तो बड़ी खराब बा, सभी का रोजी रोजगार बंद बा, एगो दामाद बड़न मानसा टोला में, वे दामाद मैंने लिया लिया देता रहो तो दर दवाई खाना पीना उनके से चला था और ये लोग बा मैंने अगल बगल में जे निमन निमन लोग बा मदद करा था। ये स्थिति है कि आज लॉकडाउन की वजह से परिवार की कमर टूट चुकी है, लगभग ये देश भर का हालात है, ये केवल दादी की बात नहीं है, देश भर की ये स्थिति है और आज उसी का खामियाजा है कि आज लोगों से मदद, आर्थिक मदद के तौर पे लोग एक दूसरे को इंसानियत के तौर पे मदद कर रहे हैं। काश सरकारें भी ये जान जाती कि एक आम इंसान का दर्द क्या होता है। ये घर की हालत आप देख सकते हैं और आपको अंदाज़ा हो जाएगा, छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बूढ़ी माँ है, उसको कैसे आप सर्वाइव कराएंगे, कैसे उसे ज़िंदा रखेंगे जबकि रोजी रोटी के लिए कोई भी विकल्प नहीं बचा है। मैं अपनी तरफ से और आप लोगों ने जो आर्थिक मदद भेजी है उसकी तरफ से ये छोटी सी भेंट मैं दादी को समर्पित करना चाहूँगा और बच्ची से मैं क्षमा चाहूँगा कि हमें यहाँ पर आने में थोड़ी सी देरी हुई है। मेरे साथ बनारस वाले मिश्रा जी भी हैं और कुछ वो आपसे कहना चाह रहे हैं, ज़रा सुनिएगा। नहीं, मैं कहना नहीं चाहता हूँ, जितने भी साथी लोगों ने विनय दुबे जी के अकाउंट में जो भी सहयोग ये दिया है मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जिस हिसाब से आप लोग हम लोगों के हर मुहिम में खड़े होते हैं साथ में, आपको ऊपर वाला हमेशा यूं ही तरक्की और बरकत देता रहे। हम लोग अपने निजी काम के लिए कभी कुछ बोलते नहीं हैं, जब भी हम समाज में ऐसे दर्द भरी घटनाओं को देखते हैं तो ये लगता है कि बतौर इंसानियत विनय दुबे जी के साथ हम लोग संघर्ष करते हैं। तो विनय दुबे जी को जो भी ये सहयोग मिला है, आप लोगों को जितने भी लोगों ने दिया है, जो भी चाहे कम चाहे ज़्यादा, सबको दिल से ढेर सारी शुक्रिया है और इस बच्ची के भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए आपका यह सहयोग निश्चित रूप से काम आएगा इस परिवार के लिए। तो विनय जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने हाथों से दे दीजिए। ये छोटी सी आपके जो घटना हुई है अम्मा, उसका तो हम पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक जो छोटी सी मरहम हम समाज की तरफ से, जो भी लोग इंसानियत रखते हैं उनकी तरफ से आपको मैं समर्पित करता हूँ
और पैर छू के आशीर्वाद लेता हूँ आपका कि आप इसी तरह से आशीर्वाद बना के रखें। आप ऐसे ही आराम से रहिए, हम आपके बेटे जैसे हैं और जो भी हमसे हो पाएगा आगे भी हम लोग इसी तरह से आते रहेंगे। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि हमारी हैसियत नहीं है लेकिन फिर भी जो हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे भैया। और बच्ची के लिए मैं तमाम लोगों से दुआएं करूंगा, निवेदन करूंगा कि इस बच्ची के लिए दुआ करें, वो आने वाले जीवन में हमेशा से सरकारी फंड जो मिले के में भाई रहे संसद में तनियो खाती पूछ बोलोगे कि कुछ तो बाबू के हमरा हो जाए। इस केस का मैं आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँगा कि इसमें जो आरोपी है अभी भी एक आरोपी फरार है और सरकार की तरफ से अभी तक इस परिवार को कोई मदद नहीं मिली है। इतनी दर्दनाक घटना जिसमें पूरा देश रोया था उसके बावजूद भी अभी भी सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक पहल नहीं देखने मिली है। सोचिए वो अपने घरों जाकर अपने बच्चों से कैसे निगाह मिला पाते होंगे। ये मैं मुंबई से करीबन 2300 किलोमीटर दूर अगर ये चीज़ महसूस कर रहा हूँ, इस बिटिया के साथ गलत हुआ है, उसके साथ अत्याचार हुआ है, उसका साथ देना चाहिए, तो यहाँ से SP ऑफिस केवल 1 किलोमीटर है। मैं उस तमाम प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके घर में बच्चे नहीं हैं, क्या आप वो जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। मैं अभी यहाँ से जाने के बाद आप SP साहब को एक प्रॉपरली उसको हम पत्र देंगे और निवेदन करेंगे कि जो भी सरकारी मुआवजा है या जो भी इस तरह की घटनाओं में सरकार ने आवंटित किया हुआ है, एक नियम है, वो नियम के तहत जो भी कार्रवाई होती है, जो भी प्रशासनिक मदद होती है, एक मुआवजा कह लीजिए या एक राशि कह लीजिए, उस परिवार को मिलना चाहिए। क्योंकि आज लॉकडाउन जैसी दयनीय स्थिति में भी ये परिवार अगर इस तरह की बेहाली में जी रहा है तो कहीं ना कहीं ये सरकार की लापरवाही है, पुलिस प्रशासन की लापरवाही है, क्योंकि अपराधी अभी तक पकड़ा नहीं गया और उसके ऊपर इस परिवार को इस तरह से लावारिस छोड़ दिया गया है कि कोई भी मदद करने के लिए अब उन इस दादी को अगर आह्वान करना पड़ रहा है तो ये सरकार के लिए और हम सभी देश के नागरिकों के लिए एक शर्म वाली बात है। विनय जी, आपको एक जानकारी और भी देना चाहेंगे कि इसी घटना को लेकर के पटना विधानसभा के अंदर 10 लाख रुपया सरकारी मुआवजा देने की बात सरकार ने कही थी, नीतीश कुमार ने कहा था। नीतीश कुमार जी, हम लोग विनय दुबे महाराष्ट्र से चल करके आते हैं इस परिवार के लिए, हम बनारस से चल करके आते हैं, हमारे तमाम साथी इलाहाबाद और UP से निकल करके आते हैं इस छोटी सी बच्ची के लिए, इसके भविष्य को बनाने के लिए, इस गरीब परिवार का एक सहारा बनने के लिए। आपको शर्म आनी चाहिए थी कि अभी 4 महीना हो चुका, आरोपी पकड़ा भी नहीं गया और आपने कम से कम 10 लाख रुपया वो जो मुआवजा आपने विधानसभा के अंदर ऐलान किया था वो भी आप नहीं दे पाए, तो ये आपकी निरंकुशता और ये आपकी नपुंसकता, ये हम लोग को ये जाहिर होता है कि आप कभी भी किसी बेटी और किसी परिवार के बहन बेटियों की इज्जत बचाने के काबिल आप बचे नहीं हैं। सीधा सीधा मेरी भाषा में कहूँ कि अगर अभी भी आपको थोड़ी भी शर्म महसूस होती हो, अगर थोड़ी भी लज्जा, एक मुख्यमंत्री पद की गरिमा अगर आपके अंदर होगी, तो हमारे आह्वान, हमारे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हम भले आपकी सरकारों के एक तरह से आपकी गलत नीतियों को उजागर करते हैं लेकिन फिर भी आपका पैर छूकर मैं निवेदन करता हूं कि इस परिवार के लिए जो आपने शब्द दिए थे, जो आपने संकल्प लिया था, उसे पूरा करें और आगामी जीवन में जो भी इस बच्ची के लिए ज़रूरत होगा हम तमाम देश के लोग आप लोगों की मदद से ये पूरा करते रहेंगे। और जब भी इस परिवार की तरफ से आवाज़ उठेगी, विनय दुबे बनारस वाले मिश्रा जी और हमारे तमाम पत्रकार भाई अश्वी जी प्रयागराज से और गौहर अजीज भाई यहाँ बिहार से, हम तमाम लोग इस परिवार के साथ हैं, तनवीर भाई भी हैं और हम तमाम लोग इस परिवार के साथ रहेंगे और आखिरी दम तक जो भी हमारी हैसियत है हम करते रहेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।